परिवर्तन हो रहा है। कल हमने पीके सिंह जी गुरुभाई जी से साक्षात्कार किया और बहुत आनंद आया किस प्रकार से उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आया है। आप आज भी हम उनको लेंगे, समय होगा, और हमारे बीच में आज हमारे गंगाराम जी गुरु भाई जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से सीधे जुड़े हुए हैं, आश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। अभी वर्तमान कोटा आश्रम में आप कार्य देख रहे हैं और कल परसों से मिलना भी हुआ था और बड़े दिलेर ढंग से बोलते हैं, बड़े साहस के साथ बोलते हैं, मेरे गुरुदेव जैसा वास्तव में कोई नहीं। और बस एक ही बात है कि गुरुदेव का प्रचार होना चाहिए, गुरुदेव का कार्य जन जन तक पहुंचना चाहिए। और मुझे भी बोल रहे थे कि गुरु भाई आप जो काम कर रहे हैं बहुत सुंदर काम कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जो भी आता बोलते कि गुरुदेव के प्रचार में लग जाइए। ऐसे हमारे योद्धा गुरु भाई हमारे बीच में है और मैं आपको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ और साथ में आपसे आग्रह करता हूँ कि जीवन में जो दिव्य परिवर्तन आया, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हो, एक एक विशेष प्रकार की आपके पास एक असाध्य रोग आपके जीवन में आया, उस असाध्य रोग ने आपके जीवन को बदल दिया। वो जो सारा जो जीवन में एक बदलाव आया है, एक आध्यात्मिक जीवन जो गुरुदेव ने आपको दिया है, एक घटना के माध्यम से, एक बीमारी के माध्यम से। बहुत सारे गुरु भाई बोलते हैं कि बीमारी तो एक बहाना था। एक दिल्ली के गुरु भाई ने बोलता कि बीमारी तो एक बहाना था। कल पीके सिंह गुरु भाई बोल रहे थे कि बीमारी तो एक बहाना था, तो गुरुदेव की शरण में जाना था। एक अद्भुत वो हुआ। और बीमारी मतलब लोग तो बीमारी से डरते हैं, पर गुरु भाई बोल रहे थे कि बीमारी एक बहाना, अच्छा हुआ कि बीमारी आई तो गुरुदेव की शरण में चले गए। तो गंगाराम जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप और आप अपना माइक अनम्यूट कर ले। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहला संक्षिप्त परिचय कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और साथ में किस प्रकार का वो जो घटनाक्रम रहा जिससे गुरुदेव की शरण में आए, और विस्तार से आप कंटिन्यू इस मंच को संभालें। अब आपको मैं सौंप देता हूं। जय गुरुदेव गुरु भाई, माइक अनम्यूट कर लीजिए गुरु भाई जी। गंगाराम गुरु भाई माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, आवाज आ रही है आपका? ग्रुप में स्वागत है आपका, चिंतन से दिख रहा है। जय गुरुदेव। जय रामलाल जी। गुरु भाई जो आप ये सेक्शन चला रहे हो, मैं पिछले एक महीने से देख रहे हो, बहुत पवित्र काम है। और मेरा नाम गंगाराम है, मैं पाकिस्तान बॉर्डर से बाड़मेर जिले राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ। मुझे 2010 में 15 मई 2010 को मेरी शादी से 3 दिन पहले मेरी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद शादी की करीबन सारी तैयारियां कर चुके थे हम घर वाले सब लोग। उसके बाद क्या होता, हम 13 मई को बेहोश हो जाते, फिर हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला आपको HIV पॉजिटिव एड्स है। तो पूरा घर में जो मेरे एक रिश्तेदार मामा जी और एक फ्रेंड है भंवरलाल जी, सारा मेरे दोस्त है, वो लोग मेरे को हॉस्पिटल में ले गए थे। बाकी मेरे घर से कोई साथ नहीं चला था क्योंकि मेहमान घर में आए हुए थे, उनको संभालना था, सेवा करनी थी। और हॉस्पिटल में जाने के बाद सांसद हॉस्पिटल वाले बोला आप जोधपुर चले जाओ MDM माथुरा माथुरदास हॉस्पिटल में। फिर माथुरा माथुरदास हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे वहां एडमिट कर दिया। मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश था। 13 मई से 15 मई तक मैं बेहोश था। 15 मई मुझे 10 बजे होश आता है, मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त भंवरलाल से। भंवरलाल जी अपन कहाँ है, शादी का दिन है अभी, तो आज अपन कहाँ फंस गए ऐसे। भाई ने मेरे को बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि आप हिम्मत रखिए आप। मैंने कहा बात क्या, बात बताओ भंवरलाल जी। फिर उसने बताया कि आपको एड्स हो गया। तो एड्स सुनने के बाद आदमी के अंदर क्या बीतती है वो उस समय वो ही परिस्थिति, लेकिन मैं बहुत कॉम्पिटिशन में था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई उस समय भी, हिम्मत थी मेरे अंदर, ये मजे की बात रही। फिर हम दोनों लोग बैठ के बात करते थे, डॉक्टर आता था, डॉक्टर से बातचीत होती। डॉक्टर से मैंने पूछा हमारी क्या शादी नहीं होगी अभी, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने बिंदास होकर डॉक्टर से पूछ लिया वो शादी नहीं होगी क्या मेरी, तो डॉक्टर ने बोला आपकी शादी नहीं होगी, आपकी जिंदगी खराब, और किसकी जिंदगी खराब करना मत। उस समय ठीक लग रहा था डॉक्टर की बात। फिर क्या होता है, जैसे ही छोटे भाई को पता, मेरे CR चौधरी भाई है छोटा, वो हॉस्पिटल में आता है और वो बताता है कि गुरुदेव के बारे में अपन को सुनना चाहिए। उससे पहले मैंने गुरुदेव रामलाल सिया का कभी नाम नहीं सुना था जी। बता रहा था, मेरे ऊपर कर जा रही थी ये बात, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहा भाई। फिर भी
और मन में विचार भी चल रहा है अपनी शादी तो करना नहीं, अभी 24 साल की उम्र है और जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। वैसे मन में सोचा था कि मंदिर मठों में जाके पूजा पुजारी बन जाएंगे, ऐसे चल रहा था। और फिर छोटे भाई ने जोधपुर आश्रम से संपर्क किया, भाई को एक लक्ष्मण राम जी व्याख्या था बाड़मेर से, उन लोगों ने स्कूल में बताया था भाई को। जी भाई जी गुरु की थी, केवल उसके पास कार्ड था गुरुदेव का, उस कार्ड के नंबर लेके और जोधपुर सुपासनी हाउसिंग बोर्ड में उसने जो भी गुरुदेव का आश्रम है वहां पे संपर्क किया भाई ने, वहां से बात हुई कि आप गुरुदेव के पास ले आओ ठीक हो जाएगा। वो भाई ने बात की, मेरे को पता नहीं जैसे 10 दिन बाद छुट्टी मिली, हम लोग सीधे आश्रम चले गए, घर से आए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सीधे आश्रम गए, इतने जल्दी गुरुदेव मिल गए हमें। जी जी जी। और फिर बाद में जैसे गुरुदेव के पास गए तो वहां लोग गुरु भाई बैठे थे, हॉल बहुत बड़ा अच्छा सुंदर लगा, उसके अंदर लिखा हुआ था बहुत बड़े बड़े, अच्छा लगा उसको पढ़ा धीरे धीरे गुरु, जैसे बहुत सारे, एक बावर था एक बद्री था, उनके एड्स बारे में लिखा हुआ था वो पढ़ा। उनके बाद में जैसे ही शाम को गुरुदेव नीचे आते हैं और कहते हैं मंच पे विराजमान होके कहते हैं कि जो नया लोग आए वो राम राम जपो और पुराने हैं वो मंत्र जपो और ध्यान करो 15 मिनट का। बात कोई समझ में नहीं आई, ऊपर कर चली गई, चलो कोई बात नहीं। फिर बाद में हम गुरुदेव को शरण स्पष्ट किया, शरण स्पष्ट करने के बाद गुरुदेव को ये बात बताई, गुरुदेव ने कहा गुरुवार के दिन आना और दीक्षा लेके फिर तेरा काम ठीक हो जाएगा। हम दोबारा गुरुवार को आते हैं आश्रम में, दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव एक मंत्र सुनाते हैं, उस मंत्र का जाप ध्यान करना। और गुरुदेव से लास्ट चरण स्पष्ट होने के बाद गुरुदेव से हमने पूछा मुझे एड्स है, गुरुदेव ने कहा कि भैरू जी के चक्कर मत पड़ना तो ठीक हो जाएगा, 45 दिन के बाद टेस्ट करवाना, और एक लौंग की पूड़ी दी मेरे को। जी जी। एक शाम खा सकता है, वैसे सब्जी में भी खा सकता है, और 45 दिन बाद टेस्ट करवाना। उस समय मैं बहुत खुश था, 45 दिन कब आए, 45 दिन कब आए, और मैं नेगेटिव आ जाऊंगा, मैं दिल में था। अब गुरुदेव ने बोल दी बात। फिर बाद में मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मुझे ध्यान करने के लिए 1 मिनट के लिए बैठता था, जैसे 1 घंटा मुझे अच्छा नहीं लगता था ध्यान करना, नाम जब भी हो नहीं पा रहा था बराबर। फिर मैं घर पे रहा तो 4-10 दिन के बाद मैं बीमार पड़ गया दोबारा, और गांव से जैसे गुरुदेव से दर्शन करने के बाद गांव में गया तो गांव वालों का अभी तो बहुत सुंदर है, गुरुदेव दर्शन करने के बाद मैं बहुत सुंदर बन गया उस समय, गांव वालों ने बहुत प्रशंसा की। और फिर वहां पे मैंने बीमार पड़ गया दोबारा, बीमार पड़ने के बाद दोबारा मैंने, पापा ने बोला कि आप 5,000 रुपये लेके जोधपुर चले जाओ मामा जी को लेके, तो मैंने मामा जी को दूसरा एड्रेस बता दिया, बस आप उसमें आना, मैं अकेला ही निकल पड़ा गुरुदेव आश्रम के लिए, किसी को साथ नहीं लिया। दस्त लग रही थी, बुखार आ रहा था, पानी 15 दिन से पिया नहीं था, हालत इतनी खराब थी, और गुरुदेव मैं तेरे शरण में आ रहा हूँ, मुझे कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, इतना कॉम्पिटिशन था पूरा। जैसे मैं चलते चलते मैं पानी पीने लग गया, तभी ठीक हो गई, चलते मैंने खाना खा गया, ये बहुत लंबा मैं सक्सेस में पूरा करना चाहता हूँ। जैसे ही हम जोधपुर पहुंचे, पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। अरे क्या बात है, पहुंचते मेरी तबीयत ठीक हो गई, 15 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, घर से निकला, मामा जी को साथ लेना था, मामा जी को साथ लिया नहीं, और सीधा जोधपुर पहुंचते ही मैं तबीयत ठीक हो गई एकदम, आपके जैसा हम जैसा अभी उम्र से हो गया। वहां पे फिर आश्रम गए, आश्रम मैं सुबह ध्यान ना स्नान वगैरह करके ध्यान किया, ध्यान करने के बाद शाम को गुरुदेव ने आए दर्शन किया, फिर वहां रुकने की व्यवस्था थी नहीं, फिर मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को बोला कहीं मेरे रूम की व्यवस्था कर दे जोधपुर में, क्योंकि 5,000 रुपये पास में थे, दवाई लेने नहीं, अभी गुरुदेव के दर्शन करने ही नहीं पैसों से। अरे क्या बात है, मैंने ले लिया, एक होटल पे खाना फिक्स कर लिया, एक साइकिल किराए से ले लिए, और रेगुलर मैं गुरुदेव के आश्रम 25 दिन ऐसे अप डाउन किया, सुबह शाम, सुबह आता था 9 बजे, शाम को वापस चला जाता था। वहां पे एक गुरु भाई थे, के 2 दिन बाद में मेरे मन में विचार चल रहा था, अभी मैं गुरुदेव से अकेले में बात करूंगा, बाकी गुरु भाई कब हटे साइड से और मैं इनसे अकेले से बात करूंगा। और जैसे वो सब लोग हटे, उसके 10 मिनट बाद में गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे एड्स था, मैं ठीक हो गया, 4-5 kg वजन बढ़ गया, तो गुरुदेव का नेगेटिव आ गया, मैं गुरुदेव टेस्ट नहीं करवाया अभी तक तो मैंने कहा गुरुदेव शादी नहीं की है, तो फिर गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा गुरुदेव क्या शादी करनी सही नहीं करती, गुरुदेव का शादी कर ले बेटा, हाथ रख दिया सिर पे, मैं
बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे गुरुदेव ने कहा तो शादी कर ले। ऐड छोड़ने के बाद कोई शादी नहीं कर रहे थे और गुरुदेव ने ये शादी करा दी। बहुत बड़ा एक विश्व साइंस मेडिकल के लिए क्या। और बाद में अभी एक लड़का एक लड़की मिसेज तीनों निगेटिव, साइंस मेडिकल के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा कारनामा गुरुदेव ने मेरे साथ कराया। गुरुदेव ऑफिस में बैठे थे, मैं गया गुरुदेव मैं ठीक हूँ। गुरुदेव ने पूछा कहाँ से है, मैंने कहा गुरुदेव मैं बाड़मेर से आया। और रामसार जी पास में बैठे थे, गुरुदेव ने पूछा कि रामसार जी बाड़मेर वालों को ज्यादा एड्स कैसे होता है। तो रामसार जी की तरफ से जवाब दिया कि भाई लोग ट्रक में ज्यादा जाते हैं इसलिए होता है बाड़मेर वालों को। अभी और आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। गंगाराम जी गुरुभाई, जैसा कि मतलब सभी इस जैसे एड्स के बारे में हर बात व्यक्ति छिपाना चाहता संसार में कि एड्स हो गया तो छिपाना चाहते हैं, आपने सीधा सीधा गुरुदेव से भी बोला और मेडिकल साइंस से भी आपको इस प्रकार से जब पता लगा, तो जब पहली बार आपको पता लगा और आपने जब गुरुदेव को बोला तो आपने डायरेक्ट बोला कि गुरुदेव मुझे एड्स हो गया है? नहीं, शुरुआत में मुझे शर्म आती थी इसमें। एड्स होने के बाद समाज में बहुत इसमें रेपुटेशन गिर जाती है, उस बंदे को किस नजरिए से देखते हैं गांव के लोग और समाज के लोग, बहुत इसमें होता है मलंग रोल। वो आदमी गिर जाता है चारों तरफ से, इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है, उनसे बात नहीं करते लोग, बहुत होती है। शुरुआत से मैं भी डरता था मेरा नाम कहीं आ जाएगा तो ओपन में नाम नहीं कर, गुरुदेव का मैचिन में लेख तरण में हिस्से का आ रहा था कहीं यहाँ टेंशन, गांव वाले देख लेंगे, ससुर जी देख लेंगे, सब मेरे वो रिश्तेदार वो ससुर वाले सब पढ़े लिखे फैमिली है तो वो लोग देखें डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। तो मैं थोड़ा डर डर के गुरुदेव के बारे में बोल रहा, जैसे ही मैं डरता था तो मैं बीमार होता। गुरुदेव के बारे में मैंने सीधा बताया ना कि मेरे को एड्स था, ठीक उससे मैं ठीक होता गया, इसलिए मुझे पूरा विश्वास हो गया। बाद में मैंने रेगुलर बताना स्टार्ट कर दिया, एड्स तो मरे हुए थे अपन, गुरुदेव ने शादी करवा ली, इससे ज्यादा अपन को क्या खुशी चाहिए। अब तो अपन को दुनिया को गुरुदेव तेरा माइक बन के पोस्टमैन बन के बताएंगे, ऐसा ठान लिया। बिल्कुल। अच्छा गुरुभाई जी, जब ये एड्स हुआ पहली बार, उसके बाद में आपने जब दोबारा जब ठीक हो गए तो उसके बाद में आपने रिपोर्ट नेगेटिव को करवाई होगी ना आपने? मैंने आज दिन तक वैसे नहीं करवाई सर, वो उसमें ब्लड टेस्ट करवाना होता वो मैंने नहीं करवाया। रिपोर्ट जो गुरुदेव ने बोल दिया और मैंने शादी कर ली, एक लड़का लड़की, मैंने उनकी रिपोर्ट हो जाती हॉस्पिटल में तब डिलीवरी होते ही वो है। बाकी मैं हॉस्पिटल डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा ही नहीं, केवल गुरुदेव के ऊपर विश्वास किया। और इसमें सर दूसरी बात है, नाम जप और ध्यान तो होता है और आदमी का गुरु शिष्यों का जितना भी गुरु के प्रति समर्पण विश्वास होता नहीं, मैं ज्यादा मानता हूँ कि गुरुदेव के प्रति विश्वास होगा उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जी गुरुभाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुरुदेव भी ये बात कहते हैं कि देखो जैसी श्रद्धा मेरी मेरे गुरुदेव के प्रति थी वैसी श्रद्धा आपकी मेरे प्रति होगी तभी पार पड़ेगी। ये गुरुदेव स्वयं अपने वाणी से फरमाते हैं और ये आपके माध्यम से सिद्ध हुआ कि आपने जो समर्पण किया ना, समर्पण का परिणाम है कि गंगाराम जी आज हमारे बीच में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और संसार को छाती ठोकर के बोल रहे हैं कि एड्स के संसार के जहां कहीं रोगी हो आओ, एड्स कैंसर के लोग आओ और उससे ये सब पता लगेगा कि वास्तव में एड्स इनक्यूरेबल डिजीज जो संसार कहता है वो क्यूरेबल है। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, आप और बोलिए। आप जब गुरुदेव के आश्रम में आप रहने लगे और भी वहां पर आपके पास जब वो लोग आते थे आपसे पूछते थे, किस प्रकार के अनुभव आपको आते थे उस समय, क्या मतलब आप किस प्रकार से उस लोगों को बताते थे कि मेरा एड्स क्यूरेबल हुआ हूँ? जैसे ही मैं गुरुदेव के पास रहने के लिए, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, एक गुरुदेव मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उसमें मेरी प्रार्थना गुरुदेव ने 2 साल का समय ले लिया, 1.5 साल का समय ले लिया प्रार्थना सुनने पूरी करने में। जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि आप आश्रम, जैसे किसी के माध्यम से बुलाते हैं, चंदन जी ने बोला कि आप गंगजी आश्रम में रहने के आप रह सकते हो, तो मैंने कहा मैं 1.5 साल से ही प्रार्थना कर रहा हूँ सर, रख लो फिर। तो फिर मेरे वहां सिलेक्शन हो गया आश्रम रहने का। फिर वहां जैसे नए साधक आते थे उनको हम बताते थे कि मुझे एड्स था, मैंने बाद में शादी की है, ऐसे में हमारे वाले लोग बहुत आते थे उसमें खुद से झंडे के लिए। जी जी, तो उनको मैं बताता, उनको बहुत मजा आता था। और लोग कहते हम ठीक नहीं होते, तो हम इसमें ठीक नहीं होने का कारण एक ही सर, जो साधक होता है वो नाम मंत्र सुनने के बाद वो सलाह देता है, तस्वीर ले जाता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है, उसकी ये कमजोरी हो जाती है। फिर जो विश्वास करता है वही ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव के ऊपर कंप्लेन करते हम ठीक नहीं आता, आपने विश्वास नहीं किया, आप अंदर से झुके नहीं, ये आपकी कमी है, इसमें गुरुदेव को दोषी नहीं ठहराना होगा। जी एक प्रश्न का जवाब मिला है यहाँ पर आपके द्वारा कि बहुत सारे गुरु भाई कहते हैं कि मैं 2-3 महीने से आराधना कर रहा हूँ, मेरी बीमारी थी ठीक नहीं हुई उसका, और मुख्य कारण यही है कि गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होना। दूसरा ये जो
कंडे डोरे ताबीज के चक्कर में पड़ जाता है, और गुरुदेव भी बोलते हैं कि भैरू जी माता जी हनुमान जी को की तरफ चले जाते हैं और फिर लोग मर भी जाते हैं, ऐसा भी बोले गुरुदेव। एड्स के रोगी मरते भी हैं, बहुत सारे मरे भी हैं। फर्स्ट टाइम मेरे को गुरुदेव सर बोला था आप भैरू जी के चक्कर मत पड़ना, अगर बचना है तो नाम जप मेरा ही करना, बाकी जो खुशी खुशी से चढ़ते उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बीमार होता है उनको तो गुरुदेव ने बोला है खुशी खुशी से जुड़ता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऐसे एंजॉय करने के लिए जुड़ सकता है कुछ गुरु भाई। उस भाई क्या इस मिशन में देखने के लिए आ जाते हैं वो अलग मैटर है, और सीरियसली होता है बीमार होता है वो जुड़ता है गुरुदेव उसको स्पष्ट कहते हैं कि आप भैरू जी के चक्कर मत पड़ना, मेरे को ये शब्द कहा था जी वो के चक्कर बिल्कुल मत, ताबीज क्या ताबीज मैंने उस दिन तोड़ दिया गुरुदेव आश्रम में। और सर दूसरी बात, जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ने के दो दिन बाद में 2 महीने बाद में मैंने दवाई को छोड़ दिया जी, आश्रम से घर जा रहा था तो वो दवाई पास में थी तो मैं दवाई को भी छुपा के रखता था कहीं मेरे दोस्त देख लेंगे ऐसा कुछ हो जाए गड़बड़ हो जाएगी समाज में गलत चला जाए, तो फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये दवाई का हमेशा की 12 महीने से समझ नहीं रहा इसे क्या करना चाहिए, जैसे मैं बस से घर जा रहा था ट्रेन से तो मैंने खिड़की ऊपर करके उस दवाई को मैंने फेंक दिया। क्या बात है, क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है। सुबह शाम पड़ता वो मेरे मन में ही नहीं आई। हाँ जी हाँ जी, अपने त्रिची से पीके सिंह गुरुभाई जी हैं और पीके सिंह जी गुरुभाई जी उनका भी ये अनुभव आया कि उन्होंने भी जब गुरुदेव के पास पहली बार गए तो गुरुदेव उन्होंने ये कहा कि दवाई मत लेना दवाई बंद कर दे। और देखिए आप दोनों एक ऐसे उदाहरण संसार के सामने, ये संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसा मतलब ये मेडिकल साइंस को एक चुनौती हो गई है और आप दोनों ने दवाई को सबसे पहले अलग रख दिया है और गुरुदेव के प्रति जो गुरु का जो मंत्र था वही दवाई के रूप में आपने इस्तेमाल किया और उसी से आपके जीवन में परिवर्तन आया। तो ये सभी के लिए एक संदेश है कि वास्तव में यदि हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति पूर्ण रूप से है तो फिर दवा नहीं वो दुआ काम करेगी, गुरु का आशीष काम करेगा और बहुत जल्दी दुनिया का कोई रोग जो असाध्य कहा जा रहा है जैसे कोरोना भी आज इस स्थिति में है कि उससे भी लोग मर रहे हैं। और देखिए इस समय एड्स की स्थिति इतनी कहता है कि एड्स में 6-7 महीने जीते लेकिन कोरोना तो 3 दिन में लेके जा रहा है लोगों को। तो आपके माध्यम से संदेश मिलता है कि निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से समर्पण भाव से और पूर्ण निष्ठा के साथ में गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के मंत्र जपे और ध्यान करे तो निश्चित रूप से कोरोना या जो इनक्यूरेबल डिजीज है जो भी कही जा सकती है वो संसार से दूर हो सकती है। और ये मेडिकल साइंस के सामने आप दो ऐसे चेहरे हमें अभी दिखाई दे रहे हैं आज और कल में की एक चुनौती है और ये वीडियो जब लाखों लोगों के सामने जाएगा और उसमें से आपकी इस वाणी को सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह लगेगा कि क्या वास्तव में एड्स है। तो गंगाराम जी के माध्यम से वो बात बनेगी कि एड्स क्यूरेबल है, लेकिन क्यूरेबल है कि सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की शरण में जाकर के पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ सुबह शाम ध्यान और मंत्र जपने से ये संभव है। जी गुरु भाई जी, आपके आप शादी हो गई और फिर बच्चे हुए, आपके धर्म पत्नी भी ध्यान करती है डेली? हाँ घर में भाई ध्यान करता है, मैं धर्म पत्नी करती है, मेरा बेटा है अभी वो 12 साल का है वो भी ध्यान करता है, उसको तो गुरुदेव आके बात भी करते है ध्यान में, और मम्मी ध्यान करती है, पापा इतने वो ध्यान नहीं करते हैं। सब अच्छा फैमिली है, वो एकदम स्वरूप टाइप है, गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमारी फैमिली में स्वरूप बन गया एक प्रकार का। बिल्कुल अच्छा, एक प्रश्न और मेरे मैं आपसे करना चाहूंगा गुरु भाई जी, आपके गांव में जब एड्स क्यूरेबल हो गया तो जो गांव में जो वो जो पहले जो एक दृष्टिकोण था आपके प्रति लोगों की सोच थी उसके बाद में गांव में क्या बदलाव आया, आसपास के क्षेत्र में क्या बदलाव आया? गांव वाले लोग वैसे गुरुदेव को नहीं मानते अभी भी, वो उनको सबको पता है कि गंगाराम को एड्स था, गंगाराम गुरुदेव का ध्यान करने से ठीक हो गया, उन सब पूरे गांव को पता है आज के दिन ये। और हमारा ग्रुप ग्रुप में ये मेरी पोस्ट शेयर कर रखी है किसी गुरु भाई ने, गुरुदेव को न मानते वो लोग शेयर करते हैं, ऐसे लिखते हैं मेरा गाँव केकड़ है तो केकड़ से एड्स को ठीक होने वाला पहला सेक्स गंगाराम, ऐसे वो लिख के भेजते हैं, वो लोग गुरुदेव मानते हुए वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर गुरु, बहुत सुंदर। और अब सीधे आप आश्रम से जुड़े हुए हैं और आपका कार्य सीधा सीधा विश्व स्तर पर है क्योंकि आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर और आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र कोटा शाखा जो है वो विश्व स्तर पर इस कार्य को लेकर के गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुंचे, तो आप इस मंच के माध्यम से आश्रम की तरफ से जो कोई विशेष कार्य चल रहा हो या और कोई संदेश देना चाहते हो तो इस मंच के माध्यम से आप दे सकते हैं गुरु, क्योंकि ये जो हमारा जो सेशन चल रहा है एक्चुअल में हम सीधे सीधे गुरुदेव के विधान मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप इस कार्य को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव के आशीष से गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं, तो आप इस मंच के माध्यम से
गुरुदेव के कार्य के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप बताएं। सर इसमें ये है, साधक गुरुदेव से जुड़ने के बाद में अनुशासन में रह के गुरुदेव के मिशन को यान कैन करके आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अभी रुकना नहीं, रुकने का समय नहीं है, अभी सब लोग रुके हुए है, ठप है, उसको नाम जब ध्यान करके इस मिशन को आगे बढ़ा। जितना अच्छा आप जैसे भी काम करें वैसे वो गुरुदेव अच्छा मानेंगे और आगे बढ़ना चाहिए, मिशन को रुकना नहीं चाहिए। अपन सब लोग क्या अभी बहुत ढीले पड़ गए हैं, थोड़ा टाइट होना आराधना के माध्यम से, और गुरुदेव के मिशन में जो भी बंदा पैम्फलेट दे रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। क्योंकि आप कोटा में हैं और इस समय कोटा में आप आए हैं अभी कुछ ही दिनों से हमें आपसे यहाँ पर, तो हम ये चाहेंगे कि चूंकि आप एक ऐसे असाध्य रोग से ठीक हुए और कोटा में जब ये जानकारी मिलेगी कि तो कोटा में भी इस कार्य का प्रचार और बढ़े, तो हम चाहेंगे कि हमें आप जो भी आवश्यक गतिविधि हम लोग कर सकते हैं तो हम लोगों को सजेशन करें, तो हम लोग भी उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। बस गुरुदेव की प्रार्थना करके सर इस मिशन को आगे बढ़ाना, गुरुदेव की प्रार्थना साथ होना बहुत जरूरी है। वैसे किसी ने सोच लिया कि मैं बढ़ूंगा तो ये मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। गुरुदेव को प्रार्थना करके ये मिशन आगे बढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा अपना, जहां अपना लक्ष्य है वहां पहुंच जाएंगे अपना अतिशीघ्र। लेकिन इसमें मैं को छोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव आप कर रहे हो, अभी आज मैं बोला था, मेरे रंगलाल जी का कल फोन आया था कि गंगाराम जी आपको बोलना है, मैंने कहा मैं ऐसे सेक्शनों पे या टीवी पे अभी तक मेरे को बोलने का मेरे का अनुभव नहीं है, इतना मुझे डर लगता है। तो रंगलाल जी ने बोला कि आप ऐसे करना, गुरुदेव को बोलना, गुरुदेव बोलेंगे। तो आज मैं पूरे दिन यही बोल रहा था, गुरुदेव आपको बोलना, आपको बोलना है। तो आज ऐसे मैं यहाँ आया तो मुझे दूसरे का, फिर आज गुरुदेव ही बोला, यही समझा। और सच में आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर से गुरु ही बोल रहा है, क्योंकि हम नहीं करते कार्य, गुरु ही करता है, हमसे करवाता है। हम एक डिवाइस से है, हम एक यंत्र है, केवल और केवल मात्र हम इतना कर सकते हैं कि हम बैठ सकते हैं और हमारी जबान बोल सकते हैं, लेकिन बोलने वाला अंदर से वही है। तो गुरु भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ये सभी गुरु भाई बहन जो यहाँ पर 60-65 गुरु भाई जो यहाँ पर देख रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न गुरु भाई से करना चाहते हैं तो सीधे आप हाथ खड़ा करके प्रश्न कर सकते हैं। जो भी गुरु भाई बहन यहाँ पर अपना प्रश्न करना चाहते तो गंगाराम जी हमारे बीच में, आप सीधे उनसे प्रश्न कर सकते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा। और हमारे साथ में पीके सिंह गुरु भाई भी है, आप दोनों से प्रश्न कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो दुनिया के सामने एक चुनौती है, विश्व के भाई साहब विशेष चुनौती। जी जी भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि आपका जो कौन से साल में हुआ ये रोग, और इसके अलावा आपका अगर कोई वायरल लोड रिपोर्ट हो स्टार्टिंग की, जब आप पॉजिटिव हुए तो वायरल लोड कितना आता उसमें, कुछ अगर ध्यान हो तो आपको मेडिकली। 2010 की बात है, 15 मई 2010 को हुआ था। इसमें हमारे लोगों ने CD4 टेस्ट करवाया, वायरल लोड टेस्ट नहीं करवा पाए, वो पैसा थे नहीं, इतने सक्षम नहीं थे हम लोग। वायरल लोड टेस्ट है, काफी महंगा होता है। जी जी जी, इसलिए कितना आया था भाई साहब? CD4 एक बार शुरुआत में था 500 ऐसा कुछ था, 500 बाद में ऐसा कुछ था, अभी वो रिपोर्ट में है, सब ऑनलाइन रिपोर्ट है, उसमें देखने को मिलेगा, याद नहीं इतना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसके बाद जैसे आपने फिर दोबारा उसको टेस्ट नहीं करवाया कभी दोबारा? हाँ। सर जुड़ने के बाद एक बार ही गए हॉस्पिटल, बाद में गए नहीं। गुरु भाइयों ने अहमदाबाद में बोला कि आप टेस्ट कराओ, गुरु भाई लेके गए थे, बाकी मैं मेरी तरफ से कभी गए नहीं डॉक्टर से, मैंने स्वास्थ्य जोड़ दिया। अभी डॉक्टर का फोन आता है मेरे पास कि आप यहाँ जोधपुर आके दवाई लेके जाओ, एकदम ये आपके अंदर संक्रमण होगा, अटैक करेगा, आपको मार देगा। मैंने कहा आप मेरी चिंता छोड़िए, मेरी दवाई और किसी को दीजिए, मेरे को आपकी दवाई जरूरत नहीं है। और मेरे को गुरुदेव ने मंत्र दे दिया वही बहुत है, और मेरे नाम की दवाई आ रही वो और किसी के काम लेना, ऐसे बोल दिया वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब। इसमें जैसे आपका क्या डॉक्टरों से क्या अनुभव रहा? जैसे एक तो आपने बताया कि जबरदस्ती दवाई देते हैं, और इसके अलावा क्या, और मतलब उनको ये दवाइयां आपको क्या फ्री मिलती थी या कहीं से आपको उसका पेमेंट करना पड़ता था, कैसे रहता है? एनजीओ वगैरह का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है इनमें? नहीं सर, इसमें फ्री रहता है दवाई का ट्रीटमेंट, जितना भी आने जाने का अपना, उनका किराया अपना लगता है, खर्चा अपना लगता है, और एक महीने की दवाई दो लोग देते हैं, वो फ्री देते हैं करीबन करीबन। रिपोर्ट भी बहुत सारी फ्री होती है। अच्छा 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 अच्छा, और क्या जी भाई साहब? तो मतलब आपने नेगेटिव टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन नहीं। क्योंकि आपके दो स्वस्थ बच्चे हैं और उनका डेफिनेटली मेडिकली टेस्ट हुआ है, तो अगर वो स्वस्थ है तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि आपका भी वो ठीक हो गया है।
मेरी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे रोहित और पूजा तीनों का रिपोर्ट करवा रखा है, नेगेटिव है। लेकिन साइंस अच्छा, कहती है कि अजमेर पॉजिटिव और उसकी वाइफ को पॉजिटिव होगा और होने वाली संतान पॉजिटिव है। वो चीज का इसका मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से। अरस्तु उन्होंने कहा कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां पर हमारा दर्शन शुरू होता है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में फरमाया तो ये विज्ञान की एक सीमा है। विज्ञान गुरुदेव कहते हैं विकसित होगा लेकिन विज्ञान एक लिमिट तक अभी काम कर रहा है। बाटी जी गुरु भाई हमारे बीच में और बाटी जी भी गुरु भाई कुछ एक प्रश्न अपना रखना चाह रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरु भाई जी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु परिवार का गंगाराम जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। गंगाराम जी के साथ में दो तीन स्मृतियां हैं। जब भी हम जाया करते थे आश्रम पे तो गंगाराम जी ने एक बार खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं गंगाराम जी, तो खाना खिलाया था, पनीर की सब्जी बनाई थी तो खूब आनंद आया। तो खाना भी अच्छा बनाते हैं गुरु भाई और बड़ा अच्छा गुरुदेव के प्रति समर्पण है गुरु भाई का। और हमें बाइक से छोड़ने के लिए भी आए थे, रस्ते में दूध लेने के लिए जाते हैं वहां आश्रम पे गाय का, तो हमें रस्ते में छोड़ने के लिए भी गुरुदेव गुरु भाई आए थे। तो मेरे मन में यही स्मृति थी तो मैंने कहा शेयर करता हूँ आज गुरु भाई सामने ही है। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव गंगाराम जी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके और बहुत सुंदर स्मृतियां आप शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव ने एक मौका दिया था सर अपन को, मैंने वो ड्यूटी निभाई थी। गुरुदेव ने जैसे मेरे को ड्यूटी दी उस ड्यूटी को मैंने बड़े प्यार से निभाया था। किस्मत में था वो मिल गया मौका गुरुदेव के साथ ही दिए में। जी बिल्कुल गुरु भाई से मैं अच्छी तरह से पेश आने की कोशिश की थी। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई जी मैं आपसे आपको लूंगा। उससे पहले मैं एक अपने गुरु भाई जी से एक मेरा जिज्ञासा आई अंतर हृदय में कि गुरुदेव के साथ में आप रहे और ऐसी मधुर स्मृति पल, ऐसी वो दिव्य जो एक जीवन की अनुभूति जो गुरुदेव के संपर्क में रहे, आप आश्रम में रहे, तो वो यहाँ पर शेयर करेंगे तो हम सभी को सुनकर के बड़ा आनंद आएगा सभी गुरु भाई बहनों को। तो गुरुदेव के जो इस काल में आप आश्रम में रहे वो ऐसी मधुर स्मृति जो आपको कभी भूली नहीं जाती वो यहाँ पर आप प्रस्तुत करें गुरु। सर आश्रम में गुरुदेव के हर पल तो मधुर ही था, लेकिन ऐसा कोई क्या बताए उनके बारे में, वो हर चीज इम्पोर्टेंट थी वहाँ। बस हम तो केवल उसमें ये ध्यान रखते थे गुरुदेव नीचे आएंगे शरण स्पर्श करेंगे ध्यान करेंगे। आप लोगों की तरह ही हम साधक बने हुए थे, इंपोर्टेंट साधक नहीं थे सर। मजे की बात ये जैसे आप लोग दर्शन करने के लिए आते थे वैसे ही हम नीचे आने के बाद गुरुदेव जैसे नीचे आना होता है उसे हम लोग भी शरण स्पर्श करते थे ध्यान करते थे आप लोगों के साथ। ये सेम था आप वाला वहां रह के हमने ऐसा कोई ऐसा अलग से फीलिंग कभी नहीं किया। मेरा ये निवेदन था कि जैसे गुरुदेव से आपकी बात हुई थी इस विषय को लेकर के गुरुदेव ने ऐसे कोई दिव्य बात कही हो जो इस मानव जाति के कल्याण के लिए हो, ऐसी दिव्य बात जो गुरुदेव की बहुत ऐसी है जो अभी छुपी हुई है सीक्रेट है वो समय पर प्रकट होगी तो हो सकता है वो समय आ गया हो। तो गुरुदेव ने जब आपकी बात की इस विषय में और गुरुदेव ने कोई ऐसी चीज कही हो जो अब आप उसको प्रकट कर सकते हैं तो बता सकते हैं गुरु। नहीं हम जुड़े उस समय आश्रम रहते थे गुरुदेव की आवाज नहीं थी सर, ये बात था ऐसे कोई जी जी बहुत सुंदर गुरु भाई लगा। पंकज गुरु भाई जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। पंकज गुरु भाई जी। भाई साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2010 भाई में जब आपको हुआ तो आपका वजन कितना हो गया था। हाँ 2010 में मेरे को वजन, मैं गुरुदेव के पास आया उस समय मेरा 56 केजी था, आज वजन मेरा 74 केजी है लेकिन इसमें वजन घटता है बढ़ता कभी नहीं है। जब मैं ध्यान करता था तो ये ध्यान के टाइम मेरे अंदर मैं शरीर में बहुत बड़ा होता था, जैसे जमीन पूरा संसार मेरे अंदर समा जाता था, इतना बड़ा होता था विकराल हो जाता। जैसे ही मैं ध्यान टूटने के बाद उसके बाद मैं टेस्ट कराता दोबारा वजन चेकअप होता तो वजन 2-3 केजी ऐसे बढ़ जाता था। पता नहीं उस चीज को समझा नहीं लेकिन मैंने ये समझा कि मैं ध्यान कर रहा बड़ा हो रहा हूँ तब मेरा वजन बढ़ रहा है। बहुत सुंदर है भाई साहब। आपको मतलब कब एहसास हुआ कि अब बीमारी ठीक हो चुकी है, मतलब कितने महीने कितने दिन बाद आपको लगा, मतलब ये रोग कितने दिन में ठीक हो गया आपके साथ? मेरे सर 2-2.5 महीने के बाद मैं ठीक हो गया ऐसा समझ लिया मैंने। 2-2.5 महीने के बाद में 2-2.5 महीने में हो गया। वैसे मैं 1 महीने बाद में ठीक हो गया, बीमारी मेरी खत्म हो गई 1 महीने बाद। अच्छा। 1 महीने के बाद मेरी बीमारी जो ताव आना वो दस्त लगना बुखार आना वो सब खत्म हो गया।
अच्छा 3 महीने के बाद मैंने दवाई को छोड़ दिया। एक बार एआरटी सेंटर से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है उसको जिंदगी भर ट्रीटमेंट पड़ता है। अच्छा अच्छा तो हमने 3 महीनों के बाद छोड़ दिया। और जैसे सर गुरुदेव में हमारा इतना विश्वास था जैसे कहीं भी किसी ने हॉर्न बजा दिया उसके साथ मंत्र चल जाता था, कहीं सॉन्ग चलता है तो सॉन्ग के साथ मंत्र चल जाता, जैसे कहीं अपन बस में बैठे तो उसमें गुरुदेव दिख जाते थे और आपके अंदर गुरुदेव दिख जाते, ऐसा अंदर से विश्वास था। क्या बात, और तो नहीं है और ये मुद्राएं कुछ हुई जो 2-2.5 महीने का समय था, कुछ खेचरी मुद्रा लगी, किस तरह का योग आपने अनुभव किया भाई साहब उस दौरान? मुझे योग हुआ, खेचरी मुद्रा आज दिन तक की नहीं लगी, योग हुआ था। जोर से सिलाने की आवाज आती थी, योग बहुत होता था, ऑटोमेटिक योग होता था, बाकी खेसरी मुद्रा ऐसा अनुभव नहीं हुआ कभी। वो बुद्धाराम जी सर को खेसरी मुद्रा लगती थी, वो डायरेक्ट बात करते करते लग जाती है। तब हम सोचते थे गुरुदेव हमारी क्यों नहीं लगा रहे, इनकी कैसे लग, ऐसे फीलिंग होता था अंदर से, फिर हमारा को अभी तक लगी नहीं जी। मतलब ये भी एक थोड़ा मतलब विचित्र बात है अपने साथ, क्योंकि मैंने अभी तक जिन गुरु भाइयों को सुना है जिनका एड्स ठीक हुआ है सभी को खेचरी मुद्रा लगी है, लेकिन आपका तो बिना खेचरी के ही सही हो गया सब। तो बहुत दिव्य बात है भाई साहब ये। पंकज गुरु भाई जी, कल पीके सिंह गुरु भाई जी बोल रहे थे खेचरी मुद्रा मुझे तो नहीं लगी, नहीं धर्म पत्नी गई पहली बार तो बिना ध्यान के खेचरी मुद्रा उनको लग गई। पीके सिंह ने बहुत अच्छा इंटरव्यू कल हमने देखा था, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत तगड़ा इंटरव्यू था कल। अपन को इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा गुरुदेव के मिशन के लिए, बिल्कुल क्या रहना है। आज भी है पीके सिंह जी की धर्मपत्नी के साथ है ना, वो भी सुन रहे हैं आपको, बहुत अच्छा। हां जी पीके सिंह बिल्कुल। और देखिए अपने रितेश जी का मतलब गुरु भाई, रितेश जी गुरु भाई कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, तो पंकज गुरु भाई जी मैं चाहूंगा कि रितेश जी गुरु भाई जी को अपन अवसर दे। रितेश गुरु भाई जी पंजाब। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, तो पूछिए गुरु भाई। गंगाराम जी कैसे हो? सर बहुत बढ़िया, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से अच्छा हूँ। बस ऐसे ही आपसे बात करने थी कि प्रचार करने गए थे हम उस दिन अहमदाबाद जब आप आए थे तब। अच्छा याद है कि नहीं है, भूल गए गुरु भाई? याद नहीं थी, अभी नहीं है। बहुत इंसान हाँ बोलिए। 2-3 साल पहले हम आए थे ना, हम और आप अर्जुन सिंह जी गए थे गांव में गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है। नवल जी भाई साहब प्रश्न पूछिए। जय गुरुदेव। बस नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन ठीक है, चलो जय गुरुदेव। गुरु भाई जी आप कंटिन्यू करिए, पंकज जी गुरु भाई आप कुछ पूछना चाहते कंटिन्यू करिए इसको। मैं तो भाई साहब से वही निवेदन कर रहा था जो आप कर रहे थे कि गुरुदेव के ऐसे लाइन शब्द जो आपने सुने हो वो सबके साथ शेयर कीजिए भाई साहब। जैसे गुरु भाई थे घनश्याम जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया सभी को कि वो जाते थे बार बार गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने उनसे एक दिन बोला कि यहाँ पे आओगे तो 1% फायदा है और अंदर से झुकोगे तो 99% फायदा है। अंदर से झुकने का मतलब कहीं भी रहो, घर पे रहो, कलकत्ता लो, दूसरे देश में रहो, उसमें ज्यादा फायदा है। तो इस तरह की अगर आपको कुछ बातें याद है या गुरुदेव के नाद से संबंधित, नाम जप से संबंधित विशेष बात यदि कुछ याद हो तो बताइए भाई सब, नहीं तो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, एक शेर मैं करता हूँ आपके साथ। आश्रम में अंदर गुरुदेव लेटे हुए थे तो फिजियोथेरेपिस्ट वाला आया डॉक्टर, जैसे गुरुदेव के 3-4 प्रकार के डॉक्टर आते थे जी, तो एक आयुर्वेद वाला था, एक फिजियोथेरेपी, एक साइंस मेडिकल वाला था, वो अलग अलग डॉक्टर आते थे। एक डॉक्टर तो गुरुदेव के पास रहता था 24 घंटा, तो फिजियोथेरेपिस्ट वाला डॉक्टर आया, उसने बोला गुरुदेव आपको विटामिन डी की कमी है, अपन नीचे चलते हैं वॉकिंग करते हैं। तो हम उस समय गुरुदेव के पास में थे, गुरुदेव ने ना कर दिया, नीचे नहीं चलेंगे। फिर उस समय डॉक्टरों की भाषा, डॉक्टर में उसको गुरुदेव को मारना पड़ता है, जैसे तैसे गुरुदेव ने कहा कि यार तू मुझे क्या, ऐसे गुरुदेव ने हाथ घुमाया, तू मुझे क्या डी की प्राप्ति करवाएगा, डी देने वाला तो मैं हूं के। तो गुरुदेव धर्म संकट में बहुत डालते थे कभी कभार, जैसे किसी साधक ने प्रार्थना की उस प्रार्थना को सुनते थे, उसके हाथ
हाथ की खाना भी खाने में ऐसे उसमें बहुत सारा हो जाता है। ये आश्रम की बात है। खैर बहुत बढ़िया थे गुरुदेव आप, और पूछी दूसरी चीज और सब। दूसरी बात है मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश थी कि गुरुदेव का प्रसार हो। कैसे प्रसार हो? मैं 2-2.5 महीना जुड़ने के बाद सर प्रसार में लग गया। ये मैं और छोटा भाई दोनों सी आर चौधरी दोनों गुरुदेव के मिशन में लग गए थे प्रसार के लिए। सर मैं आश्रम में रहता था, सी आर एकल की रथ लेके उसमें सुनील शर्मा के साथ थे सर। प्रसार की हमारे हमेशा ही ये मन में थी। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर, आनंद आ गया आज। और आपने जो विषय रखा एक अभूतपूर्व विषय है, और ये जो रिकॉर्डिंग होकर के जब यूट्यूब पर जाएगा तो इससे लाखों लोगों तक के जन जन तक पहुंचेगा और उससे उन सबको लाभ मिलेगा। पीके सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, और मैं पीके सिंह जी गुरु भाई से भी कहूंगा कि आप भी अपना माइक अनम्यूट करें। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी है। और गंगाराम जी गुरु भाई आप और कुछ कहना चाहें तो, नहीं तो मैं पीके सिंह जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूं, उनसे भी और कुछ विषय लेंगे। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई पीके सिंह जी गुरु भाई जी दोनों साथ में हैं, बढ़िया है, बहुत सुंदर। अब आप लोग और भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय को लेकर के, उपचार के विषय को लेकर के, गुरुदेव के दर्शन के विषय को लेकर के, या दो मूर्तियां हमारे बीच में ऐसी बैठी है जो विज्ञान जहां समाप्त हो जाता है वहां गुरुदेव का दर्शन शुरू होता है, और सुदर्शन के दो दिव्य उदाहरण यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं। देखिए किस प्रकार से 6 महीने से ज्यादा हुए के रोगी रहते नहीं, और दोनों योद्धा एक हनुमान जी के दिखते हैं और दूसरे एकदम से गंगाराम जी के स्वरूप में बैठे हैं। तो बड़े आनंद का विषय हमारे लिए। तो मैं और साथ में पीके सिंह गुरु भाई के साथ में गुरु बहन भी बैठी है। तो मैं कल गुरु बहन से हम लोग बात नहीं कर पाए थे, हम चाहेंगे कि बहुत जी गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरु बहन कल आप गुरु भाई के साथ में थी, हमसे बातचीत नहीं हो पाई, और हो सकता हमारे गुरु भाई बहनों को और भी कोई बहुत सारे प्रश्न हो। पहला हम प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब आपने सुना कि गुरु भाई हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई है वो सात लोग से ग्रसित है जो दुनिया में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उस समय आपके मन में क्या मतलब किस प्रकार के विचार चले? शायद उनका कनेक्शन पुअर। जी नहीं नहीं आप प्रश्न पूछिए सर, क्या पूछे आप? मैं प्रश्न पूछा था गुरु बहन से, पूछ रहा था प्रश्न। जब आपने गुरु बहन को पहली बार बताया कि इस प्रकार से एक असाध्य बीमारी है, और जब गुरु बहन ने पहली बार इसको सुना तो उन्होंने क्या मतलब हृदय में क्या विषय आया, और किस प्रकार से वो करुण प्रार्थना की जिससे गुरुदेव जब बहुत जल्दी मिल गए? गुरु बहन जब बीमारी मुझे पता चली तो आपको क्या क्या महसूस हो? उस समय तो हम गुरुदेव से जुड़ चुके थे। इनका इनका कहना है सर गुरुदेव से हम जुड़े थे, लेकिन इस बीमारी के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या बीमारी होती। जी 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 और गुरुदेव से मैं जब जुड़ा ना तो खिचड़ी मुद्रा जब हम मई में हो कराए तब लगी थी कि उसके पहले लगती थी? जैसे हम गुरुदेव का दर्शन करके आए थे मई में। सुन रहे हैं सर? आप बिल्कुल आवाज आ रही गुरु भाई, कंटिन्यू करिए, आप बोलते रहिए। मई में जैसे हम वहां पे गुरुदेव से मैं मिलकर आया ना, तो उन इनको जून उनमें वो खिचड़ी मुद्रा लग चुकी लग गई थी। जी 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 और मुझे तो आज तक नहीं लगी सर। तो हमारे देखिए गंगाराम जी गुरु भाई को भी खिचड़ी मुद्रा नहीं लगी, आपको भी लगी। और देखिए मेरे साथ एक और चीज होती है, नाद चलता है, मेरा नाद चलता है दोनों कानों से। हाँ। नान स्टॉप 2005 से ही नाद चल रहा है, आज भी गुरु भाई जी वो नाद चल रहा है, और मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना ये नाद की आवाज और बढ़ जाती है, और उसके प्रभाव से मेरे मुंह में पानी भरता है हमेशा निरंतर। जी ये ध्यान के दौरान मैं कल बताना भूल गया था, और उस पानी को मैं पीता रहता हूँ, अगर ना पीऊं तो मुझे ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई भी जी। गुरु भाई तब नाद के बारे में, चूंकि नाद का विषय आया है और नाद के बारे में बहुत सारे साधकों के प्रश्न रहते हैं, तो नाद के बारे में जब आपका नाद शुरू हुआ 2005 में, तो नाद में पहले किस प्रकार की प्रक्रिया से नाद सुरन किस किस प्रकार की आवाजें आया करती थी,
और वो कंटिन्यूटी के साथ में बढ़ता किस प्रकार से गया, थोड़ा नाद के बारे में विस्तृत यहाँ पर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा साधकों को। बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। जानकारी नहीं थी कि नाद होता क्या है। गुरुदेव ने मुझे बोला कि तू दवाई छोड़ दे और दीक्षा प्रोग्राम जब होगा तब बताया जाएगा। मैं घर आया तो ऐसे ही गांव का माहौल बहुत शांत होता है, गांव में शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। ये नाद चल रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या चीज है। जब मैं जून में तमिलनाडु आया अपने काम के सिलसिले में, तो मेरा टूर वाला काम था, सुबह 9 बजे 10 बजे निकलना, रात को 11 12 बजे तक वापस आना। तो मुझे हुआ क्या, मुझे उस दिन महसूस हुआ कि नहीं ये कुछ है, नाद में मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। मैं बस से उतरा हूं करीब रात के 11 साढ़े 11 बजे, रोड एकदम सुनसान, बस स्टैंड से घर करीब एक 50 मीटर 100-150 मीटर आप समझ लीजिए, तो आदमी पैदल जा सकता है। मैं आराम से पैदल जा रहा, तब तक मुझे चिड़िया की चहचहाट कान में, यहाँ पे रात में कौन सी चिड़िया बोल रही है। आप समझ सकते हैं कि मतलब कान में सुनाई दे रहा है, तो मैं अगल बगल देखने लगा कि मतलब यहाँ पे चिड़िया कहाँ से आ गई। फिर मैं ध्यान दिया तो बोला नहीं ये कान से आ रहा है, अभी भी चल रहा हूं। बाएं कान से तो बहुत जबरदस्त चलता है, कभी कभी वैकुम जैसे हम वैकुम टाइट एकदम टाइट हो जाता है ना, और ऐसे एकदम टाइट हो जाता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद, ये मतलब एकदम इतनी स्पीड इसकी ज्यादा हो जाती है इसका जवाब नहीं। जी जी जी। और जब दोनों कानों से आवाज निकलती है तो यहाँ पे मतलब एकदम जैसे हम लोग लगाते हैं ना ईयरफोन गाने सुनने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए, तो मतलब वो यहाँ पे सुनाई देती है आवाज। कानों से तो सुनते ही है लेकिन हम महसूस करते हैं यहाँ पे, जब दोनों कानों से नाद बहुत ज्यादा जबरदस्त सुनाई देने लगता है तो मुझे यहाँ महसूस होता है। जी देखो मैं सभी से एक निवेदन कराऊंगा कि वो देखिए हमारे गुरुदेव का जो कोटा आश्रम है, कोटा आश्रम में हमारे गंगाराम जी गुरु भाई सबको दर्शन करवा रहे हैं, लाइव दर्शन है। आप सभी गुरुदेव की चरण पादुकाओं और गुरुदेव के जो ये कोटा आश्रम का जो दृश्य है उसको आप चरण स्पर्श करें, यहीं से नमस्कार करें गुरुदेव को। ये बड़ा सुंदर सौभाग्य हम सब के लिए। स्पॉटलाइट हटाइए रवि जी, स्पॉटलाइट पे कर दीजिए इसको रवि गुरु भाई जी। देखिए चरण पादुकाएं जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी 2 साल पहले की घटना बता रहे हैं सर आपको। जी बोलिए। 2 साल पहले हमें क्या हुआ था कि मेरे बाएं हाथ में दर्द और मेरी श्रीमती को दाएं हाथ में दर्द, उसी समय चालू हुआ, लगभग 1 या 2 दिन का अंतर रहा होगा। मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, इनके दाहिने हाथ में। जी हाँ जी। तो मैं इसे पूछा कि मेरे बाएं हाथ में दर्द, बोलते हैं कि मेरे भी दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है। तो मैं विश्वास नहीं किया, मैं बोला हो सकता है बहानेबाजी कर रही हूँ काम से बचने के लिए। मैं बोला जी स्पॉटलाइट हटाइए जी, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, हम दोनों लोग गए, बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे एक तेल दिया था मालिश के लिए, लेकिन हम दवाई नहीं खाए उसके बाद। मतलब हाथ में दर्द हो रहा है, चलो हो रहा है तो हो रहा है, ठीक करे गुरुदेव, तो ध्यान निरंतर कर रहे हैं। और वो क्या हुआ, 6 महीने 7 महीने 9 महीने 1 साल लगा होगा, अपने आप खत्म हो। जी बिल्कुल। और जैसे ही मेरा खत्म हुआ वैसे ही का भी खत्म हुआ उसी समय। क्या बात है, गले का हड्डी ये बढ़ गया था। ये इनका मतलब ये जो हड्डी है ना, ये गले वाली, ये मतलब पूरी अस्पष्ट रूप से दिखाई देती थी बाहर को, अभी भी दिखता है, अभी भी हल्का फुल्का दिखता है इनका, लेकिन एकदम बैठ गए। डॉक्टर के पास नहीं गए, नहीं गए डॉक्टर के पास, नहीं गए हम डॉक्टर के पास नहीं गए, बस प्रार्थना किए ठीक हो गए, आज भी ठीक है। जी गुरु भाई, ये तो बहुत सुंदर बात है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा समर्पण है तो कोई रोग असाध्य नहीं है। गुरुदेव तो स्वयं बोले कि इस मंत्र को जपते रहिए, इस मंत्र को जपेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है। इतना प्रदान किया जाए उतना कम है। जी 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 जी
जी गुरु भाई बहुत सुंदर है। और आप कोई गुरु भाई बहन जो गुरु भाई पीके सिंह जी से कोई प्रश्न कल पूछना चाह रहे थे रह गया हो और हमारे बाद में साथ में गंगाराम जी गुरु भाई पे कोई किसी की कोई जिज्ञासा तो यहाँ पर रख सकते हैं, फिर हम इस सेशन को समापन करेंगे, फिर कल वापस इनको लेंगे क्योंकि एक ये ऐसी अनुभूति का दौर है कि ये समाप्त नहीं होगा कि गुरुदेव की अनुभूतियां अनंत है। और कल जी आपको कैंसर एक कैंसर के मरीज से जोड़ूंगा। जी गुरु भाई बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि अधिकाधिक लोग जुड़े इस मंच के माध्यम से और हम सभी संसार कैंसर से वो ठीक हुआ है बंदा। जी 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 2006 में वो ठीक हो गया। चलिए किसी और गुरु भाई बहन का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो यहाँ पर रख सकते हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। आपके कहीं संबंध में किसी प्रकार के कोई किस प्रकार के रोगी है, किस प्रकार से ठीक हुए हैं तो आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी सेशन को गुरुदेव के चरणों में यही समर्पित करता हूँ। आज का सेशन बड़ा दिव्य हुआ है, हमारे बीच में गंगाराम जी गुरु भाई, पीके सिंह जी गुरु भाई रहे हैं और आपने अपनी सुंदर अनुभूतियों से और गुरुदेव के साथ जो सानिध्य में जो प्राप्त किया है और हम सबको अवगत कराया और हमको बड़ा आनंदित किया, इसके लिए मैं आप सबका आप दोनों का भी बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि सदा हम स्वस्थ रहे और गुरुदेव के कार्य में अहोरात्र अपना श्रद्धा भाव से तन मन धन सब समर्पित करते रहे। चलिए पंकज जी गुरु भाई जी मैं आपको माइक